Father. हमारा प्यारा भारत ये हो गया अहमदाबाद खेड़ा तो अब पिछले ही टॉपिक में हम लोग पढ़े कि सत्याग्रह मतलब क्या होता है कि सत्य के प्रति आग्रह करना सत्य पर जोर देना और सत्य का खोज करना ठीक है। तो गांधी जी जनरली जब 1915 में सत्याग्रह जनवरी में 1915 में भारत आए और फरवरी 1960 में वो गए कहां पर बिहार नहीं फरवरी में गए थे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और तब 1916 में उसी साल वहां से जब उनको मिल गया एकदम जोश की अरे सही बात है मेरा बात कोई मान रहा है तब वो आए कहां पर चंपारण। चंपारण में देखो आए थे वो जनरली तुम सुने हो इंडिगो इंडिगो हार्डवेयर के दुकान में जाना बोलना भैया इंडिगो दे दीजिए तो वो तुमको निकाल के देगा क्या नील वही है इंडिगो। तो जो चंपारण में नील की खेती करवाई जाती थी ब्रिटिश के द्वारा लिख लो इंडिगो का ठीक है नील की जो खेती करवाई जाती थी तो पहली बात तो ये है नील की जो खेती होती थी तो 3-4 साल के बाद वहां की जमीन इतनी बंजर हो जाती थी कि आने वाले समय में उसमें कोई भी फैलियो वो क्रॉप ज्यादा से ज्यादा उपज नहीं सकता। पहला चीज तो वो पहले ही चैप्टर में पढ़ाए रिसोर्स में ज्योग्राफी में लैंड इरोजन तो वही तो हो रहा था वहां पर कि जमीन धीरे धीरे क्या हो रही थी वहां की बंजर हो रही थी ऊपर से उसमें मेहनत भी ज्यादा लगता था और बेगारी करवाया जाता था किससे किसानों से।
तो इसी सब चीजों को देखते हुए गांधी जी गए कहां पर, चंपारण, जो कि अभी बिहार का सबसे बड़ा जिला है। दो चंपारण, पहले चंपारण देखी था, अब कट गया है वो पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, और पूर्वी चंपारण को मोतिहारी के भी नाम से जाना जाता है, और उस स्टेशन का नाम है बापूधाम मोतिहारी, जहां से वो अपना सत्याग्रह क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। अभी जाके गूगल करना प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर उभरते हुए नेता है, दो साल के बाद जो अभी विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, हो सकती है उनकी पार्टी खड़ी होगी, जन स्वराज पार्टी उनका नाम है, और वो भी जो अपना यात्रा स्टार्ट किए हैं वो चंपारण से ही किए। बहुत आदमी को देखोगे अभी गांधी जी के मार्ग पे फॉलो कर रहे, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, जैसे उस समय क्या वो किए थे, भारत छोड़ो यात्रा, गांधी जी वही किए थे, अंग्रेजो भारत छोड़ो, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, अंग्रेजो भारत जोड़ो। ठीक है, बहुत सारा आदमी अभी गांधी जी को फॉलो कर रहा है, मन से भलो कह दे कि गांधी जी उतना वो नहीं थे, लेकिन जब सब आदमी उन्हीं को फॉलो कर, तो गांधी जी जनरली पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण से स्टार्ट किए। उसका सबसे बड़ा कारण था कि वहां के किसानों को नील की खेती करवाई जाती थी, और नील की खेती में मेहनत भी ज्यादा था, और वहां की जमीन भी बंजर हो जाती थी। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में गए वो कहां पर, बिहार के चंपारण में, आपको मैप में दर्शाने के लिए आएगा। तो ये आप इसी तरह से दर्शाना, एक स्टार दे दीजिए या जो दीजिए, स्टार, रेक्टेंगल, सर्किल, फलना चिलना, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, जो देना है दे दीजिए, तो यहाँ पर एक बना दीजिए, और यहाँ पर नाम लिखने का प्रयास नहीं करना है, नीचे में लिखना है चंपारण इन बिहार, और अगर डेट मेंशन कर दीजिए 1916 तो और ज्यादा बढ़िया होगा। फिर आता है कि सेकेंड जो गए पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहां पर भी बेगाड़ी करवाया जाता है खेड़ा में। ठीक है, तो वहां पर जनरली क्या होता था कि याद है बताए थे क्रॉप फेल्योर हुआ था, तो क्रॉप फेल्योर तो हुआ ही, और क्या कर दिया कि वहां पर रिवेन्यू जो था, रिवेन्यू बढ़ा दिया गया, जो वहां पर कर दिया जाता था किसानों के द्वारा, वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और इसी रेवेन्यू को, उस कर को, टैक्स को कम करने के लिए गांधी जी वहां पर गए थे, लेकिन वहां पर भी कुछ खास असर दिखा नहीं, वहां पर भी वे फेल हो गए। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए थे गुजरात में 1917 में, गुजरात में। अब ऐसे गूगल मैप थोड़ी ही रहेगा तुम्हारे पास वहां पर मोबाइल का, ऐसे जूम कर करके खेड़ा देखोगे, कुछ नहीं, गुजरात में कहीं पर एक मेंशन कर देना है और वहां पर लिख देना है कि खेड़ा गुजरात इन 1970। ठीक है, और तीसरा जो सत्याग्रह था वो था मिल वर्कर, जो कॉटन टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, उनसे क्या करवाया जाता था कि ज्यादा काम करवाया जाता था और पगार भी उतना ज्यादा नहीं दिया जाता था, इस वजह से वो गए अहमदाबाद 1918 में, और वहां पर एक सत्याग्रह किए, और वहां पर भी सत्याग्रह उनका क्या हुआ, फेल हो गया। और ये इस तरह से दर्शा देना है अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, तो यही तीन तरह के सत्याग्रह हुए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कोई भी एग्जाम दे दो हमको लगता है कि ये सत्याग्रह का कोई ना कोई एक मेंशन किसी में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि पहला सत्याग्रह कहाँ कहते हैं, दूसरा कहाँ किए, तीसरा कहाँ किए, और डेट जरूर याद रखना है। ठीक है सर।